हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं 2003 से उसके आगे जो भी क्वेश्चन है 91 तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ये एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, समझना। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हमें एक बहुत अच्छा नॉलेज दे के जाएगा। ठीक है, तो एक बॉल को अगर मैं ऊपर फेंका, यहाँ से एक मैं बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो ये वापस आएगा यार, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। अगर इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, 20 सेकंड, 25 सेकंड, जो भी कैपिटल टी लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ऊपर जाएगा। अब ये जो लास्ट के टी सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस चलेगा उसे हमें निकालना है। जो लास्ट के टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट का जो टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है एस, उसका हमें कैलकुलेशन करना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से इधर से अगर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत लेंदी होगा करने में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये निकाल लो कि ऊपर से इसको सोचो, इधर से फेंका गया था, ठीक है ना, कॉमन सेंस है ना, तो है तो लगाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कंसीडर कर लो ऊपर से, यस इज इक्वल टू यूटी अगर अपर पार्ट से लगा दो तो ये एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऊपर से लगा देता हूँ, ठीक है, ऊपर से टॉप से यहाँ से इधर लगा दिया, तो यहाँ यू जीरो हो जाएगा, और यही तो टाइम टी है। ठीक है, तो यू जीरो हो जाएगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक लाइन में इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगर तुम नीचे से काउंट करते हो तो तुम करके देखना कितना टाइम लगेगा इसको करने में। ठीक है, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, अगर लास्ट के एक सेकंड में अगर टी की वैल्यू वन हो, तो ये बहुत एक नॉलेजेबल चीज़ है, अगर टी की वैल्यू वन हो मतलब लास्ट के वन सेकंड में, लास्ट के वन सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वन हाफ जी और टाइम टू इज इक्वल टू फाइव मीटर। तो ये जो चीज़ है वो देख रहे हो, ये एक कॉन्स्टेंट है। आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक देते हो, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक देते हो, तो लास्ट के जो वन सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही होता है। आप ये कितने भी स्पीड से क्यों ना फेंक दो, एक बॉडी को मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और एक बॉडी को मैं 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, लेकिन लास्ट के एक सेकंड में ये थोड़ा और ऊपर गया होगा, एक थोड़ा और ऊपर, लास्ट के एक सेकंड में ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वन सेकंड इन लास्ट, ये जो वन सेकेंड इलाज में, ये तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही होता है, तो ये 5 मीटर ही होगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये U पे इनडिपेंडेंट है। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा नॉलेज है ये काइनेमेटिक्स में, कि अगर ये कितनी भी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दो, लास्ट का एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट वो 5 मीटर ही होता है। ठीक है, चलो कहता है ए मैन थ्रो द बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, एक आदमी बॉल फेंकता ऊपर यार, लेकिन वो क्या है कि दो दो सेकंड पे फेंकता है, इंटरवल 2 सेकंड रखा है, एक बॉल फेंकेगा 2 सेकंड बाद दूसरा फेंकेगा, फिर 2 सेकंड बाद दूसरा फेंकेगा, ऐसे वो फेंकता रहेगा। ठीक है, अब कहता है कि वो कितनी स्पीड से फेंक है जिससे मैक्सिमम जो है मोर देन 2 बॉल्स एयर में रहे। अब वो कितनी स्पीड से फेंकेगा कि कम से कम 2 बॉल तो हवा में रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, काफ़ी डाउट आता है इसमें बच्चों को। अगर मेरे पास 2 बॉल है, ठीक है, एक बॉल 1 से डिनोट करता हूँ, दूसरा 2 से डिनोट करता हूँ। अब मैं बॉल 1 को फेंका, तो जब मैं बॉल 1 को फेंका तो ये कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई तो उसको जाने में कितना टाइम लगा पहले ये देख लेते हैं। अब मान लो मैंने इसको यू से फेंका, ठीक है, तो जाने में जो टाइम लगा बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v0 हो गया u और ये zt, मतलब t की वैल्यू आ जाएगी u by z। ठीक है, समझना इसको u by z। अगर वो है, अगर देखो जो स्पीड दिया हुआ है 9.8 लोगे तो 19.6, अगर 10 लोगे ये भी 19.6, ये भी 19.6, अगर 10 लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो 20 स्पीड से अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है, ठीक है, तो अगर यू की वैल्यू 20 तभी होगी, यू की वैल्यू 20 तभी होगी जब टाइम जो है वो 2 सेकंड होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ से यू इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई जी, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड यू होगा।
ठीक है ना, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड हुआ, समझ रहे इसको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वो 20 से फेंकता है, जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, तो एक बॉल को ऊपर तक जाने में 2 सेकंड लग गया, समझना। अगर वो 20 से फेंकता है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, तो एक बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकंड लग गया, और 2 सेकंड क्या है, उसका इंटरवल भी 2 ही सेकंड है यार। मतलब एक बॉल अगर फेंक दिया, पहला वाला यहाँ से फेंक दिया, तो पहला वाला यहाँ दिखेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और दूसरा वाला उसके हाथ में है अभी, अब फेंकेगा, जब पहला वाला हाईएस्ट पे है तो दूसरा उसके हाथ में है, मतलब अभी एक ही हवा में रहेगा, ठीक है, हाँ समझ में। कब, जब वो 20 से फेंकता है तब, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 हो गया। अब उसकी इच्छा है कि बहुत ज़्यादा बॉल हवा में रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझो। मान लो उसके पास 3 बॉल है यार, ठीक है, 3 बॉल है, 1 2 3। तो अगर पहला वाला हाईएस्ट पे है, 20 से फेंकता है, तो दूसरा वाला इमेजिन करो, पहला वाला वापस आ गया है, दूसरा वाला हाईएस्ट पे है, तो तीसरा उसके हाथ में रहेगा, ठीक है भाई। ये पहला वाला जाके वापस आ गया, ठीक है, तो 2 और 2 4 सेकंड इसको लग गया, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला हाईएस्ट पे है, तो तीसरा उसके हाथ में है, 2 सेकंड का इंटरवल पे फेंकता है। तो अगर 20 से फेंकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 से फेंकता है, तो एक ही बॉल हवा में रहेगा, एक उसके हाथ पे रहेगा और एक उसके आ चुका होगा नीचे। ये तो बात क्लियर है ना। चलो, अगर इतनी सी बात क्लियर है, तो अब वो जो मतलब मैन है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, जैसे ही स्पीड बढ़ाया, मान लो 20 से नहीं फेंका, 30 से फेंका, हाई स्पीड बढ़ाया, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये हाइट बढ़ जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा तो वो और ज़्यादा बॉल फेंक पाएगा, क्योंकि उसको 2 सेकंड में तो फेंकना ही है। नहीं समझे? अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड हो गया एक बॉल का, ये जाने में उसको 3 सेकंड लग गया, तो एक बॉल को यहाँ से फेंकता और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको 3 सेकंड लग गया। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, जैसे ही वो इधर हाईएस्ट पॉइंट पे 3 सेकंड, तो वो एक बॉल फेंक चुका होगा, तो दूसरा हवा में होगा और पहला हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में उसको जाने का जो है वो टाइम ऑफ असेंडिंग 3 सेकंड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टाइम बढ़ाएगा तो स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, टाइम बढ़ाएगा तो स्पीड, टाइम ऑफ असेंडिंग बढ़ाएगा तो स्पीड भी तो बढ़ाएगा भाई, समझ रहे, हाइट भी तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो स्पीड है वो ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकना पड़ेगा, तब जाके उसको 2 या 3 बॉल हवा में रहेगा, ठीक है। ऐसे एक बार ऐसे समझ लो, मान लो एक बॉल फेंका और वो बहुत ज़्यादा स्पीड दे दिया, 1 घंटे बाद वापस आएगी, ठीक है, तो 1 घंटे बाद वापस आएगी, तो उसका टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड है, तो कई बॉल फेंक चुका होगा हवा में, कई बहुत सारे बॉल हवा में होंगे, ठीक है ना, आए समझ में। तो इसका जो है जो सही सलूशन है वो मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू 10 लिया था, 9.8 लिया था, ठीक है, 2002 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ये कहता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय दिस इक्वेशन, चलो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम का फंक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² और प्लस 14t और प्लस 8, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कहता है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद पार्टिकल की एक्सलेशन कितनी होगी, तो 1 सेकंड बाद पार्टिकल की एक्सलेशन कैसे निकालेंगे यार, 1 सेकंड बाद सबसे पहले एक्सलेशन निकालो, तो एक्सलेशन निकालोगे तो कितना होगा, तो एक्सलेशन ए वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी dx/dt, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये तो 9t² प्लस 14t और प्लस 14, ठीक है, ये क्या है, इसका वेलोसिटी है, तो एक्सलेशन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, dv/dt, ठीक है, dv/dt, तो यह जाएगा 18t और प्लस 14, ठीक है ना, तो ये 18t प्लस 14, तो 1 सेकंड बाद एक्सलेशन कितना होगा, इसमें टी की वैल्यू 1 डाल दो, तो एक्सलेशन 1 सेकंड बाद आ जाएगा 18 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 14,
तो 18 और 14 कितना होता है 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, ए कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक। एक कार है उसमें रिटार्डेशन जो है लाके हमने कुछ टाइम बाद ब्रेक लगा के उसको रोक दिया, यार कहाँ रोक दिए 2 मीटर पे। लेकिन अगर उसकी स्पीड 40 से 80 बढ़ा दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो और आप इसको काइनामेटिक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं काइनामेटिक्स से ही करता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पहला कंडीशन लगाओ, पहली जो कार थी यहाँ से u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से चली थी और फाइनली v इज इक्वल टू 0 हो गया, डिस्टेंस s1 चली, रिटार्डेशन वही कार है तो सेम रहेगा, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 रिटार्डेशन a और डिस्प्लेसमेंट a s1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन जब इसको सॉल्व करोगे, अब ये स्पीड 40 से 80 हो गया यार, ठीक है, ये स्पीड 40 से 80, तो 0 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as2, क्योंकि रिटार्डेशन सेम रहेगा, कार वही है तो जो रिटार्डेशन है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 × 40 / 80 × 80 इज इक्वल टू s1 upon s2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 था, 0 ने 0 ने 0 को 0 को, और ये 2 और ये 2, इसका मतलब ये हुआ कि s2 इज इक्वल टू 4 × s1, दैट इज 8 मीटर, स्टॉपिंग डिस्टेंस 8 मीटर हो गया होगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फटाफट क्वेश्चन करो। ये रबर बॉल देखो, एक रबर का बॉल है, वो बाउंसिंग बॉल है, बाउंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही बार बाउंस किया, ठीक है। अगर ये रबर बॉल है जो 5 मीटर की हाइट से हम लोग गिरा रहे हैं और वो बाउंस किया यार 1.8 मीटर तक, तो उसका था वेलोसिटी लूज हुई है, ऑब्वियसली लूज हुई है। अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे वहाँ कोलिजन इलास्टिकली कोलिजन था, कोई भी वेलोसिटी लूज नहीं होती थी, इसमें सच में कोलिजन इन इलास्टिक है, सच में ऐसा नहीं होता है, सच में वेलोसिटी लॉस होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं साइड में करता हूँ और करते हैं, अगर मैं यच हाइट से यहाँ से रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर, ये 5 मीटर है और यहाँ से ई इज इक्वल टू 0 से गिराया गया और जब वो ग्राउंड को टच करने वाला था तो उसकी वेलोसिटी v1 थी। अब जब ये रबर बॉल बाउंस करेगा तो वो वेलोसिटी v1 से नहीं जाएगा भैया, v2 से जाएगा, क्योंकि कोलिजन में कुछ वेलोसिटी लॉस कर दिया है। कोलिजन क्या है, इन इलास्टिकली है, तो कोलिजन में कुछ वेलोसिटी लूज कर दिया तो वो जब जाएगा तो फिर वो कितनी हाइट पे गया, वो 1.8 मीटर पे गया। तो हमें निकालना है लॉस इन वेलोसिटी बाय फैक्टर, तो वेलोसिटी में कितना लॉस हुआ जब पहली बार वेलोसिटी v1 में कितना लॉस हुआ, ऑब्वियसली v2 कम होगा भाई, v2 कम होगा, वेलोसिटी लॉस हो गई होगी ना, v2 इज लेस देन v1। अगर v2 v1 के बराबर हो जाएगा तो कोलिजन इन इलास्टिकली होगा और यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो हमें लॉस इन वेलोसिटी बाई फैक्टर, तो फैक्टर का लॉस कैसे निकालते हैं, Δv / v1, ठीक है, Δv = v1 - v2/v1, ये चीज़ हमें निकालनी है, ये लॉस बाई फैक्टर, आपको पता है लॉस बाई फैक्टर इतना, ठीक है, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने परसेंट वेलोसिटी लॉस हुई होगी। तो पहले v1 और v2 निकालो, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे। चलो v1 और v2 निकालते हैं, एनर्जी कंजर्व करा दें यहाँ से, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हाँ यहाँ पर थी, या काइनामेटिक्स का थर्ड इक्वेशन और मोशन लगा दो, v² - u² 2as, जो भी लगा दो, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से कर लें। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी mgh मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ½ m v1 square, ठीक है, m ने m को और 2 और g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, हाइट 5 है, दैट इज v1 का स्क्वायर, ठीक है, तो v1 का स्क्वायर 5 10 इज इक्वल टू v1 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा दो या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अब जो v2 है वो कितना होगा, तो v2 आ जाएगा, देखो v2 आ जाएगा वो
पोटेंशियल एनर्जी mgh, mgh मास g, g की वैल्यू 10 लो, हाइट 1.8 हो गया और दैट इज v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो v2 का स्क्वायर जी, और 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, हाँ 36, मतलब v2 जो है वो आ जाएगा 6 meter per second। ठीक है, तो ये आ गया v1 और v2। कितना लॉस हुआ, लॉस कैसे हुआ, देखो लॉस इसमें डाल दो तो 10 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/10, दैट इज 2/5 फैक्टर लॉस हो गया। परसेंटेज में पूछता तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 2/5 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, मतलब 40% लॉस हो गया होगा, या 2/5 फैक्टर। ठीक है, तो 2/5 फैक्टर मतलब ये है कि बी ऑप्शन इसका सही है, तो B1 इज द करेक्ट, है ना, इंटरेस्टिंग। चलो, ये कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में है। देखो, अगर तुम क्वेश्चन करना, देखो काइनेमेटिक्स के जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ प्यारे बच्चों, अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यार। ठीक है, अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x = at² - bt³, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एक्सलेशन विल बी जीरो जब टाइम जीरो होगा। ठीक है, एक्सलेशन विल बी जीरो, कब एक्सलेशन जीरो होगा भैया, एक्सलेशन विल बी जीरो, तो वो टाइम कौन सा है जब एक्सलेशन जीरो होगा, तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक्सलेशन जीरो कब हुआ, वी डोंट नो कि हमें ये हम लोगों को पता ही नहीं है कब एक्सलेशन जीरो हुआ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, एक्सलेशन निकालते हैं फिर जीरो करते हैं, तो एक्सलेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए यार। ठीक है, तो सबसे पहले इससे वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट कर दो 2at और -3bt², क्लियर है, ये सबको आता होगा, नीट की तैयारी कर रहे हो भैया, डॉक्टर बनने वाले हो, फ्यूचर के डॉक्टर हो, तो इतना तो आता होगा। तो एक्सलेशन ए और ए, अब ये इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये 2a और 6bt, ये है प्यारे बच्चों एक्सलेशन। अब एक्सलेशन जब जीरो हुआ तो उस वक्त टाइम निकल जाएगा, तो ये जीरो डाल दो, तो ये आ जाएगा 2a और -6b और t, मतलब ये आ जाएगा t = 2a/6b, मतलब ये आ जाएगा a/3b। तो ये वही स्पेशल टाइम है जब एक्सलेशन जीरो होगा ही होगा, 2a, a/3b, सही है, a/3b। ठीक है ना, ये वही स्पेशल टाइम है जब एक्सलेशन को जीरो होना ही पड़ेगा। चलो, एक कार है वो एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्म एक्सलेशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म है और वो जो है 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड इसको सेंटीमीटर या मीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 144 / 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 40 meter per second स्पीड है। ठीक है, तो 40 meter per second स्पीड है, इतना नहीं होगा। ठीक है, गलत है, बिकॉज देख रहे हो, बिकॉज वो जो किलोमीटर पर आवर में देता था, तो ये इसको सॉल्व कर लो, तो 40 meter per s = ut + ½ g की एक्सलेशन 40 by 20 और टाइम 20 का स्क्वायर 20। ठीक है, तो ये तो 20 ने 20 को और ये 2 ने 2 को, दैट इज 400 meter, 400 meter इज सही सोल्यूशन, कन्वर्जन में इधर कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो 400 meter इज करेक्ट आंसर। ये चलो नेक्स्ट, ये कहता है बॉडी ड्रॉप, ये टाइप क्वेश्चन है, बहुत आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि ये बच्चों को डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक द ग्राउंड 3 meter per second, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप विद सेम हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास विद स्ट्राइक द ग्राउंड, इसको तुम कर सकते, तो आसान है। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। अब ये कहता है कि चलो एक बॉडी है, सॉल्व करते हैं इसको, कहते हैं बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द एच हाइट, ये हाइट से बॉडी को ड्रॉप करो, चलो ये एच हाइट है, ये जीरो हो गया, हाइट एच हो गया, स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 meter per second से ग्राउंड को स्ट्राइक की,
ठीक है, इनर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी, अगर एक थ्रो हो गई है, यहाँ से थ्रो हो गई है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और हाइट y है, तो ये कितनी से ग्राउंड को हिट करेगी? ऑब्वियसली पहले 3 से हिट कर रही थी, अब 3 से ज्यादा ही हिट करेगी, है ना। चलो तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं पहले कंडीशन में लगा v² - c² = 2as, ठीक है, तो मुझे हाइट मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 9 - 0² = -2, और 10 और ये हाइट द जिस हाइट से ड्रॉप हुए थे, तो ये जाएगा 9 upon 20, दैट हाइट h, ये वो हाइट है यहाँ से ड्रॉप किया था। तो अब इसके लिए लगा दो, इसके लिए लगाओगे v² - u², तो v² और -u², u² मतलब 16, दैट इज -2, और z की वैल्यू 10 लो और हाइट h 9 upon 20, जीरो ये जीरो को कम किया, 2 ने 2 को कम कर दिया, मतलब -9 इधर आ गया, ठीक है, -9 इधर आ गया, और हाइट 1 मिनट, ये जो हाइट है वो ये एच हम वहाँ से ऊपर से नीचे ले रहे हैं, तो हम एच हमें पहले से पता है, तो हम एच की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, ठीक है, ये एच आई यहाँ से एच निगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये एच निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से सॉल्व कर लो, इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से हिट क्या होगा ग्राउंड को दूसरे वाले केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये को एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली, एक्सेलरेशन को लीनियर बढ़ रहा है, लीनियर मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे लीनियर, और उसका इक्वेशन दिया है बीटी, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट होता है ओरिजिन से और उसकी इनिशियल जब टाइम 0 था, तो एक्सेलरेशन 0 है और उसकी वेलोसिटी नॉट 0 है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, कितने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या मैं इक्वेशन मोशन लगाऊंगा, जो इक्वेशन मोशन लगाएंगे या काइनेमेटिक्स में सीखे नहीं है, ठीक है, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। एक्सेलरेशन यहां पे एक्सेलरेशन बीडी है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो मैं इक्वेशन मोशन लगा के बहुत गलती करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करूंगा, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन से डिस्टेंस निकालना है तो एक्सेलरेशन से डिस्टेंस नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो ये तो क्लियर है कि इसको मैं इंटीग्रेशन लगेगा, इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, ठीक है, तो चलो तो करते हैं हम लोग इसको, अब एक्सेलरेशन ये इतना है तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, टाइम का फंक्शन है, तो हमें इसको dv/dt करना पड़ेगा, दैट इज bt, दैट इज dv, दैट इज bt एंड dt आ गया, तो जब अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब टाइम 0 था तो कितनी थी वेलोसिटी, भैया v नॉट, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी d हुई, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आ जाएगा v - v0, और हमें ले जाए फाइनली v² / 2, दिस इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को थोड़ा ढंग से लिखूंगा, तो ढंग लिखूंगा तो v0 + bt² / 2, दैट इज द वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी पता चल गया तो हमें एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी को लिखो, एक्सेलरेशन a = क्या होता है, dx dv/dt, क्या कर रहा हूँ भाई, एक्सेलरेशन हमें पोजीशन चाहिए ना, वेलोसिटी को लिख दो, वेलोसिटी भी लिख दो dx/dt, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, तो dx/v/dt लिमिट लगा इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, तो dx रहा इधर, ठीक है, हाँ dx रहा इधर, और वेलोसिटी उठा के यहाँ से लेके आया मैं, ठीक है, और v0 + bt² / 2, bt² / 2, और ये dt रहा भाई, तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा, तो जब टाइम जीरो था वो ओरिजिन पे थी, बताया गया, जब टाइम भी हुआ तो वही तो चाहिए हमें, टाइम बाद कितनी पोजीशन ट्रेवल करेगी, तो इधर ला x और इधर ला b0t, और इधर मिला bt³/3/6, आता है इंटीग्रेशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, b0t bt³³/6 है, एक है भाई, ये सी ऑप्शन सी है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, चलो ये वाटर ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, वो इस आने के जो इस टाइप जो क्वेश्चन है वहाँ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इसमें बच्चों डाउट आता है, मैं कैसे कराऊँ, ऐसे आप करोगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरवल डालने में दिक्कत होती है बच्चों, वाटर फॉल्ट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप, टैप है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से जो वाटर है वो रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रहा है, और ये ग्राउंड है, अब कहानी क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि 5 मीटर हाइट है, ये जो हाइट है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ 5 मीटर, दिस इज द टैप हाइट, ठीक है, कह रहा है थर्ड ड्रॉप
लिविंग है, थर्ड भाई पानी है, वो बूंद बूंद करके गिरा है, तो थर्ड वाला जस्ट गिरने वाला है, थर्ड वाला इधर है, ठीक है, बाकी दो किधर गए, ठीक है, तो इंस्टेंट फॉल ऑफ द ग्राउंड, सेकंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, फर्स्ट वाला कहां, फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप टच करने वाला होगा ग्राउंड को, टच कर दिया मतलब, तो सेकंड ड्रॉप इनके बीच ही नहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं कि गायब हो गया हो, वेपराइज हो गया होगा, ठीक है, इतना दिमाग ही लगाना। तो ये हमें निकालना है हाउ फॉर एबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप ग्राउंड कितना ऊपर है, दिस डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यस वैल्यू निकालिए, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है कि उनको इंटरवल जाता नहीं है, ठीक है, इंटरवल को पता नहीं चलता है, तो एक काम करना, मैं अच्छा सा आइडिया बताता हूँ, जितना भी ड्रॉप गिरता है, दो गिरता है, चार गिरता है, पांच गिरता है, जितना भी गिरता है उसको मान लो यहाँ से ये दो दो, अगर तीन होगा तो तीन टीम मान लेना, ये इंटरवल हो गया ना, ये जो स्पेस इंटरवल हो गया, अगर मान लो तो क्वेश्चन आया तीन ड्रॉप गिर रहा है तो ये एक इंटरवल होगा, तो ये पूरा टाइम थ्री टी लेना, तो इससे इंटरवल पता चलेगा कितने इंटरवल गिर रहा है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा मैं टू टी ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाला जो है वो इंटरवल ये टी है, और ये भी इंटरवल टी, रेगुलर इंटरवल पे गिरा, यहाँ थोड़ा सा ये ने एक आइडिया डेवलप कर दिया जो आप बहुत फ्यूचर हेल्प करेगा। चलो तो इसका मतलब ये हुआ प्यार बच्चों कि जो पहला वाला ड्रॉप था अभी वो गया ही नहीं है, और जब ड्रॉप गिरता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, तो अगर मैं एस इक्वल टू यूटी, अगर मैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ये है 5 मीटर और u 0 है और हाफ z वैल्यू 10 है और टाइम t का स्क्वायर, पूरा हमने कितना t लिया था, 2t लिया था, तो 4t स्क्वायर, तो ये 5 और ये 20, तो t वैल्यू आ जाएगी 5/20 मतलब 1/4, ठीक है, अंडर रूट, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5 सेकंड है, ये जो 0.5 सेकंड है वो एक रेगुलर इंटरवल है, उस रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप फॉल रहा है तो हमें ये हम निकाल सकते हैं कि ये वाला हाइट कितना है, पहले ये निकालें, ये वाला निकालें ऊपर से थर्ड वाला, सेकंड वाला के लिए सेकंड वाला कितना नीचे आया है तो हमें पता चल जाएगा, फॉर सेकंड वाला ड्रॉप, फॉर सेकंड ड्रॉप, तो सेकंड वाले ड्रॉप के लिए चलो एक अच्छी सी बात बता दूं, सेकंड वाले ड्रॉप के एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, सेकंड वाले ड्रॉप के लिए तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर एस वन मान लो इसको एस एस, तो एस यू जीरो था सेकंड वाले, सेकंड वाले के लिए तो हाफ सेकंड वाले के लिए एक्सेलरेशन 10 लेता हूं और उसको यहां से यहां तक आने में 1/2 सेकंड लगा, रेगुलर इंटरवल 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 2/2 मतलब 5/4 मीटर पे सेकंड वाला है ऊपर से, तो नीचे से कितना हो जाएगा, ग्राउंड से कितना हो जाएगा, तो ग्राउंड से आ जाएगा 5 - 5/4 तो आ जाएगा 20 और 15/4 3.75 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है 3.75, ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ ये जो है वो थर्ड आप फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट डायनामिक्स में। चलो ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हैं, करोगे लोग कर ले, पार्टिकल मूव बिलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सच दैट डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का टाइम है, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो वो टी की पावर क्यू माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 है, तो जो पोजीशन है वो टाइम का डिपेंडेंट है, पोजीशन टाइम डिपेंडेंट करता है, तो हमें निकाला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा तो हमें पता ही है, एक्सेलरेशन पता करो तो वेलोसिटी बी इक्वल टू इसको एक डिफरेंशिएट करो 3t स्क्वायर प्लस 12t और प्लस 3 इतना पता है डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकालना है यहां से, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6t और प्लस 12, ये आ गया एक्सेलरेशन, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होगा, हमें वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये देख लो एक्सेलरेशन जीरो कब हुआ, तो एक्सेलरेशन जीरो जब हुआ वो एक वीआईपी टाइम था, ठीक है, वो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये वही स्पेशल टाइम है जो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा, अब उसी स्पेशल टाइम पे वेलोसिटी क्या जीरो होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है भाई, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होना जरूरी भी नहीं है ना फिजिक्स में, तो ये 2 की वैल्यू डाल दो, तो 2 की वैल्यू डाल दो तो कैलकुलेट करो कितना जाएगा, 4 और 12 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 3, ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 24, तो 15 माइनस 24 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है, 15 माइनस 29 आ जाएगा ना, 9 चलिए ना बोर्ड पे दिखता नहीं कभी भी, तो ये 9 आ जाएगा, 9 ये 9 मीटर आ गया, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर
पर सेकेंड माइनस आ रहा है, माइनस मतलब ये है कि वो उसकी डायरेक्शन निगेटिव होगी, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। सो इसको करो, देखो खुद ट्राई करो, देखो होता है। अगर एक पार्टिकल है जिसका यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 60, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, कोई ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 4 आवर में, तो यह एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 60 - 20 / 4, तो 60 - 20 = 40 / 4 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन दिस पीरियड, इस पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मैं क्या करूँ, जब हमको s इक्वल टू ut लगा दिया जाए, तो s इक्वल टू ut, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो यार, तो डिस्टेंस पता चल जाए। s हमें जानना इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो 20 और टाइम 4 और प्लस हाफ एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन 10 और ये 20 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है। तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो इस कितना आ रहा है, ठीक है। ये आ जा रहा है ये जाएगा 880 और 160, तो 160 जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो ये पहले बड़े लंबे टाइम बाद जो है ग्राफ का क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। बट एक आजकल बहुत आए ग्राफ वाले, लास्ट ईयर में एक दो साल में देखोगे तो ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकलना निगेटिव कब होगा? अब आपको पता होगा कि अगर ग्राफ की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट जो एसटी ग्राफ होती है उसका स्लोप होता है थीटा, डीएस और डीडी वो वेलोसिटी देता है, क्या देता है? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव कब होगी? जब स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप देखने आता है सबको, ठीक है। सी पॉइंट का स्लोप एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करो और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ये थीटा, थीटा लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ स्लोप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप डी, डी टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल होंगे, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो टेन थीटा जीरो होता है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक है। ई पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करो, टेंजेंट यहाँ ऐसा आएगा, ये यहाँ पे एंगल बना थीटा, थीटा यहाँ पे ग्रेटर है 90 है, जब थीटा ग्रेटर 90 होता है तो स्लोप निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ई पॉइंट पर ही वेलोसिटी निगेटिव होगी, तो ई पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई निगेटिव, ठीक है। आता है स्लोप, तीन कंडीशन होता है, थीटा स्लोप जो है थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू 90 स्लोप जीरो, ठीक है, थीटा लेस देन 90 ठीक है स्लोप नेगेटिव। हाँ हाँ क्या बोला मैं, उल्टा बोल दिया, एक मिनट, थीटा ग्रेटर देन 90 थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप जो होता है, एक बार इसे आपको मैं किसी को आपको पता होगा, तो स्लोप नेगेटिव होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव होता है, थीटा नेगेटिव होती है, थीटा इक्वल टू 90 स्लोप m दैट इज जीरो इन्फिनिटी, n 90 इन्फिनिटी होता है, थीटा इक्वल टू जीरो तो स्लोप जीरो होता है, टेन जीरो जीरो, थीटा लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव होता है क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव, सब टेन की वैल्यू है, ठीक है। ये चलो रैया, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल एक्सेलरेट करता है रेस्ट से और एक्सेलरेट किया, जब एक्सेलरेट करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, उसके बाद दोबारा बीटा से रिटार्ड किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूँ। ये कहता है टोटल टाइम इस पूरी जर्नी में टी लगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? भाई ये कार है जिसकी स्पीड बढ़ती है फिर घटती है और कांस्टेंट से, समझो पहले इस क्वेश्चन को, यहाँ पर u इज इक्वल टू जीरो से चली थी कार और कांस्टेंट से एक्सेलरेट हुई, स्पीड बढ़ी और स्पीड मैक्सिमम हो गई, और ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और इसमें टाइम t1 लगा, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन हुआ फाइनली रेस्ट में आ गई और वो रिटार्डेशन बीटा है और उसमें टाइम t2 लगा। तो कहता है कि टाइम t1 + t2 टी है टाइम, पूरी जर्नी का टाइम टी है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा टी के टर्म में, अल्फा बीटा टी के टर्म में, है ना। चलो तो इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले s इक्वल टू यू टी लगा दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट एक्सेलरेशन के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया जाए, क्या इससे हो जाएगा?
इससे नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, तो चलो इसको कैंसिल कर दो, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस लगा दिया जाए, हाँ इससे हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स का स्क्वायर और माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू टू अल्फा और ये एस, फिर हमें एस नहीं पता है, ठीक है, फिर से दिक्कत वही, तो इस ये हमें ये भी नहीं लगेगा। अब जो बच गया वो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा यार, जब दो नहीं काम किए तो तीसरा तो ब्रह्मास्त्र है, लगेगा ही लगेगा। तो भी, तो यहाँ से भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, वैसे देखो वैसे मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए ये लगा रहा था, समझाने के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो, भी इज इक्वल टू यू और प्लस अल्फा टाइम टी वन, तो टी वन की वैल्यू आ गई भी मैक्स अपन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली टी टू आ जाएगा, टी टू आ जाएगा माइनस, ठीक है, टी टू यहाँ से यहाँ तक लगा दो, तो टी टू माइनस बी मैक्सिमम अपन बीटा, ठीक है, माइनस साइन जो है वो नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट द टाइम, ठीक है, ये चलो, तो क्योंकि हम टाइम काउंट कर रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल टाइम टी वन और टी टू है, तो टोटल टाइम टी वन और टी टू है, टी वन प्लस टी टू खुद टी के इक्वल है, ठीक है, तो टी वन प्लस टी टू कैपिटल टी के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि भी मैक्स इसमें से कॉमन हो गया, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा दैट इज टाइम टी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से निकाल लो, क्या निकालना था भैया, वी मैक्स निकालना था, तो वी मैक्स यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा टी और डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अपना वेलोसिटी मैक्सिमम। पता है इसको ग्राफ से भी अच्छे से कर सकते हो, ग्राफ से बहुत मतलब दोनों तरीके से अच्छे हैं, सेकेंड मेथड आप ग्राफिकली भी कर सकते हो। अगर देखो एक बार मैं बता देता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ, जो अच्छा वाला ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, ये मेरा ग्राफ आ गया। अगर ये हमारा ग्राफ है तो ये एक्सलेशन थीटा वन है और ये एक्सलेशन थीटा टू है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सलेशन अल्फा है और यहाँ से यहाँ रिटार्डेशन बीटा है, मतलब डी थीटा वन अपन डी टी, ठीक है, जो स्लोप है यहाँ से, समझ रहे ना, मतलब ये जो स्लोप है वेलोसिटी वेलोसिटी बी इज इक्वल टू एक्सलेशन, इसका स्लोप देगा एक्सलेशन डी थीटा वन अपन डी थीटा टी, या सब बराबर है तो ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो टेन थीटा वन ये वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई, ये वेलोसिटी मैक्सिमम और ये टाइम टी वन लग गया जब वो एक्सेलरेट हुई थी, है ना, और ये टाइम टी टू लग गया जब वो रिटार्ड हुई थी। तो पहले केस में टेन थीटा वन आ जाएगा पहले ट्राइंगल से, वेलोसिटी मैक्सिमम अपन टाइम टी वन, और ये कुछ नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है, टेन थीटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता भाई, एक्सलेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी मैक्सिमम और अपन टी वन। उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपन टी टू, ठीक है, अब इन्होंने कह रहे हैं कि टी वन प्लस टी टू मैं दिया हूँ टी के बराबर है, तो यहाँ से टी वन टी टू उठाओ और इसमें रख दो और वही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो, कहता है ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इन फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, आसान क्वेश्चन है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और टू एन माइनस वन, ठीक है, टू एन माइनस वन, तो थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई एस वन, तो थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट एस वन मान लेता हूँ मैं, तो यू जीरो हो गया और ए बाई टू, तो ए बाई टू ऐसे ही रह दो और यहाँ थर्ड रखोगे तो सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव ए बाई टू। उसी तरह से जो एस टू आ जाएगा, एस टू यहाँ पे
फोर्थ रखोगे, फोर्थ रखोगे तो कितना आएगा 8, और ये आ जाएगा 7 ए बाई टू, और डिवाइड कर दोगे एस वन से एस टू में तो 5/7 जो है वो फोर्थ टू, हाँ देखो रेशियो पूछा है, फोर्थ टू थर्ड, फोर्थ से फोर्थ में एस टू अपन एस वन पूछा है तो 7/5 आएगा, ए ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो ये कहता है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर थ्रू द 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, मतलब लास्ट के 2 सेकेंड में जो है वो 40 मीटर चली है, समझना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये डाउट में आता है बार 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 बार, बच्चे इसको डाउट लेके आते हैं, समझना इसको। लास्ट के 2 सेकेंड, अगर ये लास्ट के 2 सेकेंड है जिसमें डिस्टेंस ये 40 मीटर चली है ऐसा बताया जा रहा है, ए बॉडी ड्रॉप यहाँ u इज इक्वल टू 0 से हमने गिराया है और लास्ट के 2 सेकेंड ये वाले 40 मीटर चली है, तो हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मान लो कैपिटल H है, ये हमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस स्मॉल H हो गया, तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस दिया है वो कैपिटल H और माइनस स्मॉल H 40 मीटर ये दिया गया है, कंडीशन दिया हुआ है, ये पूरा H और उसमें से H निकाल दोगे तो ये 40, ये कंडीशन। अब हमारा टारगेट है H निकालना और ये इन दोनों को निकालते हैं, ठीक है, H को निकालते हैं, स्मॉल H को निकाल लें, ठीक है, चलो स्मॉल H को निकाल लें, मान लो पहले कैपिटल H निकाल लो T के टर्म में, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो T है, तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए एक्सलेशन Z और ये T का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 5, तो T की स्क्वायर की मतलब 5H के इक्वल आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया, क्लियर है। चलो तो अगर टी स्क्वायर 5 के इक्वल आ गया, अब यहां से देखो यहां यहां से यहां तक आने में टाइम, समझना इसको, यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगा भाई, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा भाई, ये लास्ट के 2 सेकेंड है तो ये टी माइनस टू लगा होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक आने ये 10 सेकेंड लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का 8 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 40 है, तो जो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी वो हाफ g t-2 का स्क्वायर आ जाएगा यार, t-2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर निकालना ना, तो हाइट ऑफ टावर निकालना तो यहाँ से टाइम उठा के लेके आओ, तो ये आ जाएगा 5 और t-2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5t-2 का स्क्वायर जो है, अब इन दोनों में को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ इन दोनों को उठा के वहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से एच निकाले, एच की वैल्यू कितना था, एच की वैल्यू थी 5t² है, एच की वैल्यू ये सही नहीं है, h/5 आएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5t² और स्मॉल h की वैल्यू इतना है, ये दोनों वहाँ लाग रख दूँ तो h की वैल्यू 5t² और माइनस ये वाला 5 और t-2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40, यहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा, तो यह आ जाएगा 5t² और माइनस 5t का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ठीक है ना 4 और ये 20 और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा और 2, 4 और फिर है 20t दैट इज इक्वल टू 40, तो ये 5t ने 5t को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो ये जो 20t है क्या कैलकुलेशन सही है, 20t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस पूरी जो जर्नी है, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में 3 सेकंड लगा होगा, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ से निकाल लो, तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ रख दोगे तो कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 5 और टी का स्क्वायर 9, तो यह जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर,
टावर की हाइट 45 मीटर, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो रे भैया आगे बढ़ते हैं। ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ग्राफ इसमें से, हाँ देखो, कौन सा ग्राफ है वो वन डाइमेंशनल मोशन को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता यार। अब इसमें से देखो, ये जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वन डाइमेंशनल मोशन में वेलोसिटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है यार, ऐसा तो पॉसिबल होता ही है। दूसरा वाला, क्या कभी एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी हो सकती है, मतलब एक ही आदमी अपने घर में भी रहे और अपने स्कूल में भी रहे, दो पोजीशन हो सकता है, दो वेलोसिटी हो सकती है, दो एक्सलेशन हो सकता है, ऐसा अभी के फिजिक्स में इम्पॉसिबल है। तो अभी के फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो मल्टीपल यूनिवर्स मल्टीवर्स थियरी अब पढ़ोगे तो एक नहीं बहुत सारी पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी के लिए ये यही गलत है। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर सकती है? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यहाँ एक्सलेशन कॉन्स्टेंट था, यहाँ एक्सलेशन वेरिएबल है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये पार्टिकल, ठीक है, SHM, जब SHM पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तो ऐसे ही ग्राफ आते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ही गलत है। ये बस ट्रेवल वन थर्ड, ठीक है, वन थर्ड चलती है बस ट्रेवल द फर्स्ट वन थर्ड विथ स्पीड 10 किलोमीटर एंड नेक्स्ट वन थर्ड स्पीड 20 एंड द लास्ट वन 60, एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है यार, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है? एवरेज स्पीड, अगर कोई डिस्टेंस है, समझना, कोई डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है, तो ये एस बाई थ्री, फिर एस बाई थ्री, फिर एस बाई थ्री, अलग अलग जो है वो एस बाई थ्री पूरा 3s था, तो ये 10 से चली, 20 से चली, 60 से चली, 10 से चली, 20 से चली, 60 से चली, 10 से चली, 20 से चली, 60 से चली। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है, इसमें टाइम t1 लगा होगा, इसमें टाइम t2 लगा होगा, इसमें टाइम t3 लगा होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिए। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया ये वाला, पूरा 3s ले लिया हूँ ये, ठीक है, या नहीं तो s ही ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, s ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, ये पूरा s ले लिया हूँ। तो अब इसमें वैल्यू उठा के डाल दो, तो यह आ जाएगा s, और ये टाइम की वैल्यू डालो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है एस बाई थ्री, और स्पीड 10 है प्लस एस बाई थ्री, और स्पीड 20 है प्लस एस बाई थ्री, और स्पीड 60 है। तो s/3 कॉमन आ गया और ये पूरा ऊपर चला गया 3s, और नीचे बच गया 3s, जीरो भी कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ से देखो s/30 कॉमन लिए, तो s ऐसे कैंसिल हो गया और जो ऊपर चला गया वो 30 चला गया, और नीचे बच गया यहाँ 1 प्लस 1 बाई 2 और प्लस और 1/6। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा यार, ठीक है, ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये 6, 3, 9, और यहाँ से 9, 1, 10, ठीक है ना, तो आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, 18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है ए कार मूव विद 200 मीटर, इट कवर द फर्स्ट हाफ विद 40 एंड द सेकेंड हाफ विद 48, द वैल्यू ऑफ बी। अब देखो, अब मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन कर चुके आप, तो अब मैं आपको बताया हूँ कि अगर हाफ आप चलती है तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, 2v1 v2 और v1 प्लस v2, ठीक है, तो v1 और v2, तो इसका मतलब ये हुआ पहले जो है वो डिस्टेंस कोई मैटर नहीं रखता है, 200 का मीटर है, हाफ आप चली है तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो, तो 2 और ये कितना गया, ये दोनों की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक की स्पीड 40 है और ये v है, और ये 40 प्लस v है, और ये 48 दिया हुआ है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेना।
ठीक है, कर दूं कैलकुलेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 80YV इज इक्वल टू 40 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 48 और प्लस 48V, ठीक है, तो 48V, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू 60, V इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व वगैरह कर लेना। तो दिस इज 31 ईयर क्वेश्चन ऑफ द नीट जेई फ्रॉम द, ये जो है हमने 31 ईयर क्वेश्चन कराया वन डायमेंशनल मोशन के, ठीक है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन इंक्लूड थे वो एक्चुअली वो 47 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये 47 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे यार, 47 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दिस इज़ योर फाइनल स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।